राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पधारे श्रीमती शांति थापा जी एवं उनके साथ आई महिला मात्र शक्ति श्रीमती कौशल्य देव जी, अनिता रावत जी, दीना ज्योति जी, सतेश्वरी देवी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित विद्यालय के प्रबंधक श्री अजय पाल सिंह रावत जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय श्री रावत जी, केसर राष्ट्रीय सेवा योजना को मूर्त रूप देने वाले और गतिविधियों को आगे बढ़ाने वाले हमारे कार्यक्रम अधिकारी श्री रविंद्र भारद्वाज जी, मुकेश भंडारी जी, शिक्षक शिक्षिकागण, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे स्वयंसेवियों, सर्वप्रथम राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। साथ ही आज हम अपने को गौरवान्वित भी महसूस करते हैं कि हमें बहुत दिनों के बाद इस तरह का अवसर प्रदान हुआ है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ में आपने सामने इस तरह से मिल पा रहे हैं। गत दो वर्षों से आप लोग देख रहे थे कि हम किस प्रकार से अपने कार्यों को संपादित कर रहे थे और इस दौरान भी वैश्विक महामारी कोविड के कारण हम बहुत प्रभावित हुए, लेकिन राष्ट्रीय सेवा योजना ने अपने कार्य को नहीं छोड़ा। और अभी आज सुबह राष्ट्रीय सेवा योजना के पुरस्कार 2019-20 का वितरण हमारे देश के महामानी राष्ट्रपति द्वारा सुबह 9 बजे से वितरित किया गया और राष्ट्रीय सेवा योजना की और हमारे स्वयंसेवियों और कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों की उन्होंने भी बहुत सराहना की है। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं से पहले आप नॉट मी बट यू, अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए अपने नहीं, मैं नहीं, आप दूसरे से शुरू करेंगे। अगर हम अपनी खुशी दूसरे में ढूंढेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा, अर्थात हमें जो खुशी दूसरे की खुशी से मिलेगी उससे हम अपने जीवन को धन्य समझेंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना के जो आप बैंक देख रहे होंगे, बैंक में चक्र है और चक्र में 8 पीढ़ियां है। ये हमें प्रतिदिन के 800 पहर के अंदर रहने की प्रेरणा देते हैं। अपना के स्वयंसेवी को अपने जीवन में हर समय तत्पर रहना चाहिए समाज सेवा के लिए। रात है, दिन है और किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी भी कार्य को अप्लाई करने से पहले अपने पर, अपने परिवार से शुरू करें। ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, पहले अपने घर से हर कार्यक्रम को, हर गतिविधि को शुरू करें। आज यहाँ पर, यहाँ उत्तराखंड में भी हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे देश में जो राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापित हुई महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में, 2 अक्टूबर 1969 में लागू की गई। और राष्ट्रीय सेवा योजना हमारे महानुभव महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर आधारित है। आप सब उनके जीवन से भली भांति विज्ञ होंगे। उन्हीं के आदर्शों को लेकर के जब ये संचालित हुई थी, केवल 37 विश्वविद्यालयों में ये राष्ट्रीय सेवा योजना संचालित की गई थी और आज इसकी संख्या बढ़कर पूरे देश में लगभग 20,000 से अधिक विद्यालयों विश्वविद्यालयों में ये संचालित हो रही है और जिसमें 40 लाख से अधिक हमारे वॉलंटियर पूरे देश में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और उनको निखारने वाले हमारे कार्यक्रम अधिकारी जो इस
कार्यक्रम को मूर्त रूप दे रहे हैं उस विद्यालय के प्रधानाचार्य और कार्यक्रम अधिकारी भी इस कार्य के लिए बधाई के पात्र हैं। मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में हमारे पास 57,200 स्वयंसेवी प्रतिवर्ष अलॉट होते हैं, लेकिन इनकी संख्या 60,000 से अधिक प्रतिवर्ष जाती है। जनपद पौड़ी में हमें 5,000 की संख्या माध्यमिक शिक्षा के लिए प्लस टू के लिए, इसके अतिरिक्त हमारे डिग्री कॉलेज और पॉलिटेक्निक अन्य संस्थान भी है, लेकिन जो माध्यमिक के लिए प्लस टू के लिए वो पौड़ी जनपद में 5,000 है। और 5,000 के सापेक्ष गत वर्ष 5,200 स्वयंसेवी पंजीकृत थे। आप ये देखिए कि गत वर्ष की परिस्थितियों के बावजूद हमारे स्वयंसेवियों के जज्बे में कोई कमी नहीं आई। लॉकडाउन के दौरान भी हमारे स्वयंसेवियों ने बहुत बेहतरीन कार्य किए, जिसके लिए मुझे कहने के लिए जरूरत नहीं है कि क्या क्या कार्य किए, सब आप लोगों के समाज के सामने प्रस्तुत है। कोई भी कार्य राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए कम नहीं है। जितना कार्य स्वयंसेवियों के द्वारा किया गया उस कार्य के अगर हम रिकॉर्ड बनाए तो पेज कम पड़ जाएंगे हमारे बच्चों के। तो एक बार अपने लिए प्यारे बच्चों, अपने लिए एक बार जोरदार तालियां आप सब के लिए।